हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने बच्चों हमने टीथ के बारे में पूरी डिटेल ले ली थी, और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, हमारी लार ग्रंथियों के बारे में, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग को नोट डाउन करते हैं। आइए चलिए, तो हम आज चर्चा कर रहे हैं किसकी, लार ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, मानव की हम बात करें क्योंकि हम ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा डाइजेशन एब्सॉर्प्शन है, यानी कि पाचन एवं अवशोषण। ठीक, तो चलिए, स्तनधारियों की अगर हम बात करते हैं तो स्तनधारियों के अंदर, मैमल्स में, स्तनधारियों में चार प्रकार की जो है लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। लेकिन मनुष्य के उपलक्ष्य में हम बात करें तो मनुष्य में तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, एक होती है हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है ना, चलिए, तो हम सबसे पहले क्या हमारी लार ग्रंथियों के बारे में लिख लेते हैं। चलिए, तो यहां मनुष्य में मुख्यतः मुख में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहली हम बात करें तो जो सबसे पहली हमारी ग्रंथि है वो होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अधिजीवा ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, तीसरी होती है हमारी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अधोहनु ग्रंथि के नाम से। आई बात समझ में। ठीक है, तीन तरह की जो है लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड जिसे हम अधिजीवा ग्रंथि कहते हैं, एक होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, और तीसरी होती है हमारी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसे हम अधोहनु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, चलिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अधिजिह्वा ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है ये कहां उपस्थित होती है, ये हमारी जो जीभ है, हमारी टंग है, हमारे जिह्वा के पीछे की तरफ
स्थित होती है, या हम कहते हैं कि जबड़े के निचले भाग में स्थित होती है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, यह ग्रंथि हमारी जीभ, या जिसे हम क्या कहते हैं, टंग, के निचले या जबड़े के निचले हिस्से में, यह हम क्या लिख सकते हैं, भाग में उपस्थित होती है। ठीक है, तो यह ग्रंथि क्या है, ठीक, यह ग्रंथि जो है हमारी टंग के निचले हिस्से या जबड़े के निचले हिस्से वाले भाग में उपस्थित होती हैं। ठीक, चलिए दूसरी हम बात करें, इस प्रकार की ग्रंथियां नलिकाकार होती हैं, जिसमें से कई नलिकाएं निकलती हैं, कई नलिकाएं निकलती हैं, और इन्हीं नलिकाओं को डक्ट ऑफ रिविनस कहा जाता है, तथा इन्हीं नलिकाओं को डक्ट्स ऑफ रिविनस या बार्थोलिन की नलिकाएं या बार्थोलिन की नलिकाएं कहते हैं। आई बात समझ में, जो सबलिंगुअल ग्लैंड है जिसे हम अधिजिह्वा ग्रंथि कहते हैं, इस ग्रंथि में जीभ है, वो उसके जो टंग है उसके निचले या जबड़े के निचले हिस्से में ये उपस्थित होती हैं, और एक ऐसी नलिकाकार होती है, इनमें से कई प्रकार की जो नलिकाएं निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ रिविनस या बार्थोलिन की नलिकाएं कहते हैं। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अगली टाइप की। ठीक है, तो हमारा अगला टाइप क्या है, अगला है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, पैरोटिड ग्लैंड की। ठीक है, चलिए ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है इसे हम क्या कहते हैं, यह हमारे दूसरे नंबर की लार ग्रंथि होती है, जो कि हमारे कर्णपटल यानी कि जो हमारा श्रवण कोष्ठ होता है, हमारे जो कर्णपटल की जो ग्रंथि है उसे इसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि हमारे श्रवण कोष्ठ के हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह हम लिख सकते हैं यह ग्रंथि हमारे श्रवण कोष्ठ के भाग में पाई जाती है। ठीक है, तथा श्रवण कोष्ठ के भाग में पाई जाती है, और यह सबसे बड़ी, यह क्या होती हैं, सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है,
ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड वाली, जो कि स्टेंसन्स डक्ट भी कहते कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है बेटो, इसको क्या बोलते हैं, स्टेंसन्स डक्ट भी कहते हैं, ठीक। चलिए, इसमें जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें हमें क्या दिखाई देते हैं, इसमें मम्प्स हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये कर्णमूल की अस्थि है, इसके कर्णमूल, ठीक है ना, इसमें मम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या करती है, ये हम कहते हैं कि जो कंप्लीट जो लार स्त्रावित हो रही है, पूरी जो लार बन रही है, उसका 20 से 25% भाग जो है वो पैरोटिड जो है ग्लैंड वो स्त्रावित करती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह कुल लार का 20 से 25% भाग, 20 से 25% भाग स्त्रावित करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अब हम तीसरी किसकी बात करेंगे, तीसरी बात करेंगे हम हमारी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। तो तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर हम चर्चा करते हैं किसकी, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसे रब कर सकता हूँ, ये पार्ट में रब नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे तीनों टाइप्स दे रखे हैं, तो आप तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं इस वाले पार्ट को रब कर देता हूँ, चलिए, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, हमारे तीसरे पार्ट की, यानी कि सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधोहनु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, यह मध्यम आकार की ग्रंथि होती है, मध्यम आकार की ग्रंथि होती है। दूसरी चीज, ये ऊपरी व निचले जबड़े के जंक्शन पर उपस्थित होती है, कहां पर, यह ऊपरी तथा निचले जबड़े के जंक्शन पर उपस्थित होती हैं, निचले व ऊपरी जबड़े के जंक्शन पर ये उपस्थित होती हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो ये क्या होगा, यह हमारे जो इनसीजर टीथ होते हैं के पीछे स्थित होती है,
इसलिए इन्हें वाटन्स डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मध्यम रकार की ग्रंथि है, ऊपरी तथा निचले जबड़े के जंक्शन पर उपस्थित है, यह हमारे इंसाइजर के पीछे स्थित होती है, इसलिए इन्हें वाटन्स डक्ट भी कहते हैं, और यह सबसे ज्यादा लार स्त्रावित करती है, जो कि कुल लार का कितना प्रतिशत है, 70 से 75% भाग होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो यहां पे क्या देखिए, ये तो मध्यम आकार की ग्रंथि होती है और ऊपरी तथा निचले जबड़े के जंक्शन पर उपस्थित है, या हम ये कहते हैं कि हमारे इंसाइजर के पीछे स्थित होती है, इसीलिए इसे वाटन्स डक्ट भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा ये लार स्त्रावित करती कितना, 70 से लेकर 75% तक। अब जो हमारी लार होती है, इस लार के अंदर भी कई तरह के क्या होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे लार में कौन कौन से एंजाइम होंगे, श्लेष्म है, ठीक है ना, हमारा आईजी है, ठीक है, हमारा टाइलिन एंजाइम एंजाइम है, ये सभी जो एंजाइम होते हैं वो लार में उपस्थित होते हैं। और लार को मैं कह रहा हूँ कि अगर अब आपसे कहूँ कि लार हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो कोई गलत नहीं होगा। जब हम सुबह सुबह सोकर उठते हैं, जो हमारे मुंह की जो लार होती है, जिसे हम बासी लार कहते हैं, ठीक है ना, ये जब आपके पेट में जाती है, तो ये एंटीबैक्टीरियल का काम भी करती है ना, ये किलर का काम भी करती है। ठीक है, साथ ही साथ ये आपके कंप्लीट सिस्टम को भी अच्छा बनाए रखती है, यानी कि जो सुबह सुबह की जो लार होती है, जब हम पानी पीते हैं, तो ये लार हमारे मुंह में घुलकर, मुंह में पानी जो घुलता है, उससे लार हमारे पेट में पहुंचती है, और कई तरह के बहुत अच्छे अच्छे जो ये परिणाम स्वरूप अच्छे इफेक्ट देती है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अगर सुबह सुबह की लार को हम ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं, वेस्ट करते हैं, यानी कि थूक देते हैं, तो वो गलत है। ये लार हमारे पेट में जानी चाहिए। ठीक है, इसमें ये हमारे पाचन में भी बहुत बहुत सहायता करती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करें। इसके अंदर ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसमें हमारा लार का स्त्रावण किसके द्वारा आता है, कंट्रोल ANS के द्वारा किया जाता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा, ANS के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लार में कई प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, हम बात करें लार में श्लेष्म, टाइलिन, IgA, स्टार्च, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, लार की अगर कंपोजिशन की बात करें, तो देखिए लार यहां पे क्या, जो टाइलिन है वो क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, अमाइलेज पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, IgA क्या करता है, IgA जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे लाइसोसोम भी होते हैं, लाइसोसोम। ठीक है,
ये लाइसोसोम क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया किल करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से लार के संगठन की हम बात करें तो लार का संगठन, ठीक है, तो 99.5% तो क्या होता है, इसमें जल उपस्थित होता है एक तरह से, और बाकी क्या होता है, इसमें थोड़े बहुत एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो हमने इनके बारे में चर्चा करी, ठीक है। लार के मुख्य कार्य की बात करें हम तो लार के कार्य में, कार्य की हम चर्चा करें तो कार्य में क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है, साथ ही भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है, भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करते हैं, चिपचिपा बनाने, वह भोजन को इजी गोइंग निगलने में भी लार का महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ लिया, यहाँ हमने कंप्लीट जो है वो तीनों तरह की जो लार ग्रंथियाँ होती है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों। आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, अब हम किसकी चर्चा करेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ टॉन्सिल्स के बारे में। जब हमने जीवा का डायग्राम देखा था तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने बात करी थी किसकी, हमने बात करी थी नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल की, ट्यूबल टॉन्सिल की, ठीक है ना, और पैलेटाइल टॉन्सिल की, और साथ ही हमने चर्चा करी थी किसकी, लिंगुअल टॉन्सिल की। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे टॉन्सिल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं हम, पहला है हमारा फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है, या नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं हम इनको, नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, ये हमारे जो फेरिंग्स वाला भाग है, या इसको हम फेरेंजियल टॉन्सिल्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे जो फेरिंग्स वाला भाग है मुख के अंदर, ठीक है ना, उस वाले भाग के अंदर इस प्रकार के टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यह हमारे मुख के भीतर नेजल पार्ट में उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिसे हम फेरेंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ट्यूबल टॉन्सिल, यह टॉन्सिल पश्चिम भाग में स्थित होते हैं, ठीक है। नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल हो गया हमारा, ट्यूबल टॉन्सिल हो गया, फिर होता है हमारा एडेनोइड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो हमारा, हम कहते हैं कि जीभ के दोनों तरफ क्या होते हैं कि इस जगह यहां पर क्या होते हैं कि दोनों तरफ हमारे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडेनोइड्स। छोटे बच्चों के अंदर इनको हम फेरेंजियल टॉन्सिल्स या हम कहते हैं कि एडेनोइड्स के नाम से भी जानते हैं, कि इनको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स बोलते थे, यानी कि टॉन्सिल्स यानी कि यहाँ पे जो मांस होता है उसका बढ़ना, ठीक है, तो एडेनोइड्स टॉन्सिल्स बोल सकते हैं हम इनको। यह मुख्यतः बच्चों में बढ़ने की समस्या देखी जाती है, समस्या देखी जाती है,
ठीक है। चौथे होते हैं हमारे लिंगुअल टॉन्सिल्स, जो कहाँ होते हैं, हमारी जीभ के पश्चिम भाग में जो होते हैं। हमने डायग्राम देखी, हमने बात करी थी किसकी, हमने जब जीभ का डायग्राम देखा था तो हमने पीछे की तरफ भाग में गोल गोल पैचेस टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, वो क्या था, वो हमारा लिंगुअल टॉन्सिल था। तो यह है जो टॉन्सिल है वह जीभ के पश्चिम भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो एडेनोइड्स जिनको हम बोलते हैं, है ना, एडेनोइड्स जो टॉन्सिल्स होते हैं, बेसिकली होता क्या है कि जब छोटे बच्चों के अंदर ये टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, यानी कि मांस में वृद्धि होना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मांस में वृद्धि होना। ठीक है, तो जब ज्यादा बढ़ जाते हैं ये, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनको, है ना, रिमूव करना होता है, मुख से रिमूव करना होता है। तो इस शल्य जो प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, शल्य प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेट करना या शल्य प्रक्रिया। तो इस शल्य प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। ठीक है ना, तो इसमें जो शल्य प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जाता है, हम ये लिख सकते हैं शल्य प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जो जो टॉन्सिल्स हैं उनको निकालना बोलते हैं। तो ये शल्य क्रिया के द्वारा ही निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, ठीक है, चलिए आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है, हमने किस किस की बात कर ली, नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल की बात कर ली, ट्यूबल टॉन्सिल की बात कर ली, एडेनोइड्स की, टॉन्सिल्स की, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पैलेंटाइन टॉन्सिल भी बोलते हैं, पैलेंटाइन टॉन्सिल। ठीक है, एडेनोइड्स या पैलेंटाइन टॉन्सिल्स के नाम से भी जाते हैं। जब इसमें कभी संक्रमण भी हो जाता है ना, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। आपने कभी देखा होगा ना कि एकदम से क्या होते हैं कि हमारे यहाँ से कुछ उभरा हुआ पार्ट निकल जाता है, टॉन्सिल्स जिनको हम बोलते हैं, गलफड़े बोलते हैं, गलफड़े सूज जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इसी में संक्रमण होने की वजह से जो है ये गलफड़े बनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस के हम नाम से जानते हैं। और जो शल्य क्रिया है, इसको निकालना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। ठीक है ना, यानी कि टॉन्सिल्स को निकालना, शल्य प्रक्रिया को एक्टोमी बोलते हैं और टॉन्सिल्स को बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी, इसको बोला जाता है शल्य क्रिया के द्वारा निकालना। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीटली हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीटली सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में चर्चा कर ली, इसके तीनों प्रकारों को हमने समझ लिया। ठीक है, इसके तीन प्रकार कौन कौन से थे, इसके तीन प्रकार थे हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, हमारा पैरोटिड ग्लैंड, हमारी सबमैक्सिलरी ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड को जिसको हम अधिजिह्वा ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तथा जो सबमैक्सिलरी ग्लैंड है उसको हम अधोन्न ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और पैरोटिड ग्लैंड हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो मनुष्य में तीन तरह की जो ग्रंथियां पाई जाती है, और जो इसमें लार का स्रावण होता है वो एनएस के द्वारा सिक्रेशन होता है। ठीक है, साथ ही साथ इस लार में कई तरह के ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइसोजाइम हुआ, लाइसोजाइम क्या कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को किल कर रहा है, ठीक है ना, बैक्टीरिया को अटैक नहीं करने दे रहा है। साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करता है, क्योंकि कुछ भाग जो है, जो ग्रंथियां हैं हमारे मुंह से ही क्या होता है कि जो स्टार्च का जो पाचन है वो हमारे कुछ मुख भाग से ही शुरू हो जाता है, लेकिन कौन सा, जो स्टार्च है, जो पका हुआ स्टार्च है उसी का पाचन जो हमारे मुख से शुरू होता है, लेकिन जो अधपका स्टार्च है या कच्चा स्टार्च है उसका पाचन हमारे मुख से शुरू नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो 30% जो पाचन होता है स्टार्च का वो मुख से होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है, जब वो स्टार्च पका हुआ हो। ठीक है ना, आई बात समझ में आपके। तो आज हमने कंप्लीटली इसको ले लिया है, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।